बड़ा चढ़ा के जो आप लोग जो फिगर्स निकालते हैं और फैंस निकालते हैं कि हजार करोड़ भाई, ये इनकम टैक्स और ईडी भी नोटिस करता है और वो आते हैं और फिर उनको पता चलता हकीकत क्या है। तो दोस्तों यहाँ बिग बॉस एक बार फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये बिग बॉस 16 के स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर सलमान खान की फेस जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर जानने को मिल रहा था कि सलमान को इस बार बिग बॉस 16 के लिए मिले लगभग 1000 करोड़। जी दोस्तों 1000 करोड़ जो कि सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा शौक लग जाता है, क्योंकि यहाँ फिल्मों के कलेक्शन देखे तो वो तो यहाँ 200-300 करोड़ भी काफ़ी मुश्किल से ही पार हो रहे। लेकिन इस बीच सलमान खान को एक रियलिटी शो से ही यहाँ पर मिल रहे 1000 करोड़। लेकिन जब यहाँ हाल ही में बिग बॉस की लॉन्चिंग हुई तो इस बीच सलमान खान जो कि खुद ही इस पर बात करते दिखे। यहाँ तो जब सलमान खान से इस बारे में पूछा गया तो यहाँ सलमान जो कि खुद ही कहते हुए दिख गए कि वो सलमान खान है और बिग बॉस के लिए 1000 करोड़ ले रहे हैं। लेकिन शो के बीच जो लॉयर्स आते हैं वो भी एक तरह के सलमान खान ही होते हैं और वो भी उनसे ले जाते हैं 1000 करोड़। जी आज तो यहाँ सलमान का कहना था कि यह शो के बीच ही इतने ज़्यादा विवाद हो जाते कि यहाँ पर इसे निपटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। यहाँ तक कि सलमान जो कि ये भी कहते दिखे कि जो ये अफवाह फैला दी जाती है कि सलमान जो कि बिग बॉस के लिए 1000 करोड़ ले रहे, उसके बाद इनकम टैक्स ईडी से भी कई सारे लोग आ जाते, लेकिन उसके बाद उन्हें असलियत पता चलती है। तो यह मिला जुला कर देखा जाए तो सलमान का कहना था कि न तो उन्हें 1000 करोड़ मिले और यहाँ जितने भी उन्हें मिलते वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ही खर्च हो जाते हैं, खासकर वहाँ पर हो रहे विवादों को मिटाने में। लेकिन यहाँ पर ये तो पक्का है कि इस बार बिग बॉस 16 काफ़ी कमाल का रहने वाला है और यहाँ इस बार सलमान जुके में और भी ज़्यादा शानदार अंदाज में दिखेंगे। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।